आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है वाटरमार्क के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वाटरमार्क कैसे अप्लाई किया जाता है, और वाटरमार्क क्या होता है, उसे कैसे देते हैं, उसका पर्पस क्या है, आइए आज हम उसको जान लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पे सामने डिजाइन टैब में जाते हैं। डिजाइन टैब में आने के बाद यहाँ पे वाटरमार्क का ऑप्शन दिया हुआ है। वाटरमार्क के अंदर गए, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है। वाटरमार्क का पर्पस ही ये होता है, जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं अपने ऑफिसेज के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कोई उसे और कॉपी ना कर सके, तो इसलिए हमने जैसे कॉन्फिडेंशियल या डू नॉट कॉपी अपना नाम भी हम लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहां से भी कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहें तो यहां पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम वाटरमार्क का। हम कस्टम वाटरमार्क में आते हैं। पहले तो यहाँ पे ऑप्शन है नो वाटरमार्क, जैसे वाटरमार्क दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक पिक्चर का और एक टेक्स्ट का। पहले हम टेक्स्ट सीख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम पिक्चर्स में आता है। पहले टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे जैसे टेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप चाहें यही रखना है या इस एरो को प्रेस कीजिए, कॉन्फिडेंशियल, कॉपी, डू नॉट कॉपी, ड्राफ्ट, जो आप चाहें इनमें से अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हमने ओरिजिनल पे क्लिक किया, अब इस ओरिजिनल जो हमने टेक्स्ट लिया है एज ए वाटरमार्क का, इसका फॉन्ट क्या होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये फॉन्ट रहा हुआ है यहाँ पे, आप क्लिक करके और अदर फॉन्ट्स में भी जा सकते हैं जो आपको सही लगे। उसके साथ इसकी साइज, आपको कितनी साइज चाहिए, जैसे यहाँ पे ऑटो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑटो का ऑप्शन क्या है, जैसे आप समझ सकते हैं ऑटोमेटिक है, जो भी आपके पेपर की एरिया है, पेपर वहां पे अवेलेबल है जो डॉक्यूमेंट में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिकली इस वर्ड को, जैसे हमने ओरिजिनल वर्ड सिलेक्ट किया है, उसका साइज ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। चेक कर लेते हैं, अदरवाइज साइजेस तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम चेंज कर सकते हैं कभी भी। और उसका कलर क्या होना चाहिए, आप यहाँ से कलर डिसाइड कर सकते हैं। सपोज हमने डार्क ग्रे कलर ले लिया, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। अगर अभी यहाँ पे हम अप्लाई करना है कि ओके करना है, और ये जो वाटरमार्क हमने अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डायगोनल चाहिए कि हॉरिजेंटल चाहिए, दोनों देख लेते हैं। पहले डायगोनल पे प्रेस किया हुआ है। अगर अभी हमने अप्लाई किया, देखिए अप्लाई करने पे क्या आया, बैक साइड में ये जो सैंपल हमें दिखाएगा, जो हमने ओरिजिनल नाम लिखा हुआ है, वो हमें बैक साइड में सपोर्ट करेगा, दिखाएगा। ये ओरिजिनल नाम दिखा रहा है यहाँ पे। वाटरमार्क में कस्टम के अंदर गए, यहां से हमने कलर चेंज कर लेते हैं, सपोज रेड कलर दे दिया और इसको अप्लाई कर दिया, यहां पे देखिए आ गया रेड कलर से। सपोज हमें हॉरिजेंटल चाहिए, अगर अप्लाई नहीं करते और ओके कर देते हैं तो क्या होगा, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये सीधा क्लोज हो जाएगा और हमारे सामने डायरेक्टली उसका सैंपल दिखाएगा। और अगर आप इसमें अप्लाई पे क्लिक करते हैं, जो भी चेंजेस करते हैं आप, सपोज अभी हम उसका साइज चेंज कर लेते हैं, सपोज ये 44 किया, अप्लाई किया, तो हमें डायरेक्टली बाहर इफेक्ट दिखाता है ये ऑप्शन क्लोज हुए बगैर। यहां से जो भी आपको साइज चाहिए आप अप्लाई करके देख सकते हैं। डायगोनली चाहिए आप डायगोनली चेक कर लीजिए, कलर चेंज करना है या जो भी इसकी साइज चाहिए, हमने ऑटो पे रख दिया, अप्लाई किया, हो गया, फाइनल हो गया है, तो आप क्लोज कर दीजिए। अभी अगर उसके साथ में आप यहाँ पे नोटिस कीजिए क्या दिखा रहा है, सेमी ट्रांसफरेंट, जो हमने रेड कलर दिया है वो परफेक्ट रेड कलर नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे इसको फंक्शन को ऑफ कर दिया और अप्लाई किया, देखिए आ गया। जो भी कलर कॉम्बिनेशन आप चाहें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बना सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सेमी ट्रांसफरेंट देना है, सेमी ट्रांसफरेंट दे दें, नहीं तो नॉर्मल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके करते हैं, ये क्लोज किया। अब जितने भी पेजेस हमारे यहाँ पे अवेलेबल है उन सब में आपको वाटरमार्क प्रोवाइडेड है। इवन अगर आप इसको फाइल में जाके प्रिंट भी लेते हैं तो ये आपको वाटरमार्क ऐसे में दिखाएगा। बैक जाते हैं, यहां से अगेन डिजाइन में जाके वाटरमार्क में आए, कस्टम में आए। अगर हमें सपोज नहीं चाहिए, अंदर का ऑप्शन हमने देखा नो पे है, अब यहां से डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, रिमूव हो गया। और अगेन हम इसमें चाहें तो ये कस्टम वाटरमार्क में आते हैं। जैसे यहां पे पहले हमने टेक्स्ट वाटरमार्क दिया था, यहां पे जस्ट प्रेस किया, इसको बैक स्पेस से कट किया, और यहां पे आप अपने चॉइसबल नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको नाम लिखना हो, अब आपके बिजनेस का नाम, आपके प्रोजेक्ट का नाम लिख, सजेस्ट हमने कंप्यूटर लिख दिया। फिर सेम थिंग, इसका साइज क्या होना चाहिए, इसका कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ये सेमी ट्रांसपेरेंट चाहिए नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, डायगोनल चाहिए, आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इस लिस्ट में जाके जो भी कंप्यूटर एमएस ऑफिस की तरफ से नाम प्रोवाइडेड है आप वो भी ले सकते हैं,
अदरवाइज आप यहाँ पे प्रेस करके उसे कट करके अपना कोई भी नाम दे सकते हैं उसको। एंड फर्दर स्टेप्स तो वही हैं, जो कलर आपको चाहिए, जो साइज उसकी चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो वाटरमार्क का ऑप्शन दिया हुआ है, ये अप्लाई कर दिया, ऑफ हो गया। अदरवाइज बाहर से जैसे आपने देखा यहाँ पे रिमूव वाटरमार्क का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आप चाहें वहाँ पे वो कवर कर सकते हैं। अगेन वाटरमार्क में जाके कस्टम में गए, यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है, पिक्चर में आए, सिलेक्ट पिक्चर में गए, ऑफलाइन में जाते हैं, जो भी हमारी पिक्चर चाहिए हमें वहां से वो पिक्चर ले ली। यहाँ पे अभी आपको इसका साइज दिखाया हुआ है, जैसे स्केल नीचे क्या ऑप्शन दिया हुआ था, साइज ऑप्शन था, यहाँ पे स्केल ऑप्शन है। अगर हमने डायरेक्टली ओके कर दिया, देखिए पिक्चर आ गई हमारी है, बहुत ही बड़ी साइज में आई है। तो अगेन हम वाटरमार्क में जाके कस्टम में जाते हैं, यहाँ से इसका स्केल ऑटो दिया हुआ है, इट मीन जो पेपर साइज है उस हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट कर रहा है। और जो यहाँ पे सेमी ट्रांसफर ऑप्शन था, यहाँ पे वॉश आउट का ऑप्शन है, इसको ऑफ करते हैं। अप्लाई किया, देखिए पिक्चर डार्क हुई। अगर आप यहाँ से ऑटो की जगह पे साइज चेंज करना चाहते हैं, सपोज हमने 50% दे दिया, अप्लाई किया, वेट कीजिएगा एक मिनट, वो साइज छोटा करके दिखाएगा हमें, देखिए हो गया साइज छोटा हो गया। अगर आप क्लोज करते हैं और यहाँ पे स्क्रॉल करके देख लीजिए, हुआ। अगर आप अगेन वाटरमार्क में जाके कस्टम में आते हैं, 50% की जगह पे आप जो भी परसेंटेज देना चाहें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हैं। अगर यही सही लग रहा है तो इट्स ओके। वॉश आउट दिया तो थोड़ा ये कलर जो है वो ब्लर टाइप हो जाएगा, वॉश आउट ऑफ किया तो ये परफेक्ट कलर में दिखाता है। और अगर आप इसका प्रिंट देखना चाहें तो ये प्रिंट में भी जाके आप देख सकते हैं। जितने भी पेपर्स आपके पास अवेलेबल है ऑन स्क्रीन, वो जिसका प्रिंट आउट निकाला है, उन सब में अभी ये प्रिंट होके आएगा हमारा वाटरमार्क। ये डिजाइन में जाके वाटरमार्क, यहां से कस्टम वाटरमार्क, आप चाहें तो पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप नो वाटरमार्क कर दीजिए। ये अप्लाई किया, देखिए ऑफ हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वाटरमार्क के ऊपर, जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अप्लाई करने की कोशिश की है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।